नुआ नुआ वीडियो देखिबा पाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं साइड रे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु। जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु, आपण मानंकु आमर एही स्वतंत्र कार्यक्रम को स्वागत। आसंत जानिबा आगामी सप्ताह आपणकर किपरि बितिब, केउ सतर्कता अवलंबन कले आपणकर सप्ताहटी भलरे बिति पारिब। ज्योतिर्विद विशारद विश्वनाथ परिडा कहंती आगामी सप्ताहटी मिथुन राशिर व्यक्ति मानंक पई खूब भल। ताहले आसंत चर्चा करिबा द्वादश राशिर साप्ताहिक राशिफल विषय। राशि चक्रर प्रथम राशि रहिछि मेष राशि। एही सप्ताहटी आपणंकु मिश्रित फल प्राप्ति हेबो। आपणंकर आय ह्रास पाइबो। कर्मक्षेत्ररे निरुत्साह हेबे। विद्यार्थी माने अग्रगति करिबे। शत्रु वृद्धि हेबे। पारिवारिक सुख मिलिबो। चाकरीरे मध्यम फल प्राप्ति हेबो। प्रतिकार पई भगवान गणेशंकु पूजा करंतु शुभ हेबो। एबे आसंतु जानिबा परवर्ती राशि वृष राशि विषय। एही सप्ताहटी फल उत्तम अटे। कर्तव्यरे निष्ठार सह कार्य करिबे। दूरयात्रारे आपण सफल हेबे। आपणंक परिवाररे आपणंकु सुख मिलिबो। आय उत्तम हेबो। बिवादरे आपण जड़ित होइपारंती। चाकरीरे सम्मानहानि घटिबो। व्यवसाय मंथर गतिरे आगेइबो। प्रतिकार पई छोट पिलामानंकु मीठा खाइबाकु दियंतु, शुभ हेबो। एबे आसंतु जानिबा मिथुन राशि विषय। एही सप्ताहटी आपणंकु सर्वोत्तम फलदायक हेबो। सर्वदा कार्य तत्पर रहिबे। आपणंकु सम्मान मिलिबो। साफल्यता लाभ जोग अछि। आय उत्तम रहिबो। पारिवारिक सुख सम्मान पाइबे। चाकरीरे भ्रमण जोग अछि। व्यवसायरे आपण लाभवान हेबे। प्रतिकार पई हनुमान चालीसा पाठ करंतु, शुभ हेबो। कर्कट राशि। एही सप्ताहटी आपणंकर मनोबल दृढ़ रहिबो। कर्मक्षेत्ररे विलंब जोग अछि। दान धर्म कार्यरे आपण अग्रगति हेबे। दूर यात्रा बा भ्रमणर जोग रहिछि। जानवाहनरे आपण क्षति सहि पारंती। पारिवारिक क्षेत्ररे अशांति देखादेव। व्यवसायरे आपणंकु मध्यम फल प्राप्ति हेबो। प्रतिकार पई प्रति सोमवार शिवंक दर्शन करंतु, शुभ हेबो। एबे आसंतु जानिबा सिंह राशि विषय। एही सप्ताहटी आपण कर्मचंचलरे रहिबे। आयठारु व्यय अधिक हेबो। कर्मक्षेत्ररे नाना समस्या देखादेबो। पारिवारिक अभाव देखादेबो। चाकरीरे स्थानांतर हेबार सूचना मिलुछि। व्यवसायरे आपण क्षति सहिबे। अशुभ फल यात्रा स्थगित रखंतु। प्रतिकार पई सकाळु सकाळु कळा कुकुरकु खाइबाकु दियंतु, शुभ हेबो। परवर्ती राशि रहिछि कन्या राशि। एही सप्ताहटी आपणंक पई आय उत्तम रहिबो। कर्मक्षेत्ररे आपण अग्रगति करिबे। पदस्थ व्यक्तिंक साहाज्य मिलिबो। आपणंकु द्रव्य लाभर जोग रहिछि। बहुदिनर विवाद समाधान हेबो। पारिवारिक सुख मिलिबो। चाकरीरे स्थिति सुदृढ़ रहिबो। व्यवसायरे आपण लाभवान हेबे। शिक्षारे दुर्बलता देखादेबो। प्रतिकार पई शनि मंत्र पाठ करंतु, शुभ हेबो। एबे आसंतु जानिबा तुला राशि विषय। एही सप्ताहटी शत्रु माने पराजित हेबे। आपण कर्मक्षेत्ररे अग्रगति करिबे। आय अव्याहत रहिबो। शरीर सुस्थ रहिबो। पारिवारिक जीवनरे लक्ष्यहीनता देखादेबो। चाकरीरे सम्मान मिलिबो। प्रतिकार पई सकाळु काउकु खाइबाकु दियंतु, शुभ हेबो। एबे आसंतु जानिबा बिछा राशि विषय। एही सप्ताहरे आपण अनेक क्षेत्ररे भूल करि अनुताप करिबे। आपणंकर आय ह्रास पाइबो। पारिवारिक जीवनरे संतान लाभ करिबे। चाकरीरे प्रतिष्ठा बढ़िबो। प्रतिकार पई शनिवार दिन शनि मंदिररे पूजा करंतु, शुभ हेबो। राशि चक्रर परवर्ती राशि रहिछि धनु राशि। धनु राशिर व्यक्तिमानंक पई एही सप्ताहटी मध्यम फलदायक हेबो। प्रत्येक कार्यरे उत्साहित हेबे। भ्रमणरे क्षतिर जोग रहिछि। धर्म कार्य प्रति आग्रही हेबे। आय मध्यम अटे। परिवाररे उत्साह बढ़िबो।
ଚାକିରିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟମ ଫଳ ମିଳିବ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ, ଆୟଠାରୁ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହେବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଘଟଣ ଘଟିପାରେ, ନିଜର ଲୋକ ପ୍ରତାରଣା କରିବେ, ପରିବାରରେ ରୋଗପୀଡ଼ା ଅନୁଭବ କରିବେ, ବ୍ୟବସାୟରେ ସଙ୍କୁଚିତ ହେବେ, ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ସୋମବାର ଦିନ ଶିବଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ହେବ। ରାଶିଚକ୍ରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରହିଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହଟି ଅସନ୍ତୋଷ ଲାଗି ରହିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ଘଟିବ, ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ମନରେ ନାନା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଉଚ୍ଚ ଆଶା ଆଶାରେ ରହିବ, ପାରିବାରିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖାଦେବ, ଚାକିରି ଓ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟମ ଫଳ ମିଳିବ। ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଏହି ସପ୍ତାହଟି ସର୍ବଦା ଅସ୍ଥିର ଓ ଅସନ୍ତୋଷ ଭିତରେ କଟିବ, ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ନାନା ଅଶୁଭ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନାନା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ, ବୃଥା ଭ୍ରମଣର ଯୋଗ ରହିଛି, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଯୋଗ ଅଛି, ବ୍ୟବସାୟରେ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ। ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରପାଠ ପ୍ରତିଦିନ 18 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ହେବ।